गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनकर पीपल्स मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनकी काउंसलिंग की और बताया कि वे इस वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके परिवार में उनकी पत्नी और पुत्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा स्वयं कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां ICMR की गाइडलाइन के अनुसार उनकी काउंसलिंग कर कोरोना संबंधित जानकारी ली गई। डॉक्टर्स ने काउंसलिंग में पाया कि नरोत्तम मिश्रा की पत्नी और पुत्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस दौरान वे भी उनके साथ रहे हैं, इसीलिए उनका वैक्सीनेशन ट्रायल नहीं किया जा सकता। मेडिकल कॉलेज के डीन कर्नल अनिल दीक्षित ने बताया कि ICMR की गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन के वॉलंटियर के लिए आवश्यक है कि उसके किसी निकट परिजन को COVID-19 नहीं हुआ हो, इसीलिए वैक्सीनेशन वॉलंटियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार नरोत्तम मिश्रा का वैक्सीनेशन किया जाना संभव नहीं है। नरोत्तम मिश्रा साहब आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर आए थे, हमने पूरी जांच की, उनकी काउंसलिंग की और काउंसलिंग में ऐसा पाया गया कि किसी एक क्राइटेरिया की वजह से, जिसमें कि उनके घर में कुछ लोग संक्रमित हो चुके हैं पहले से, इस कारण से उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा सक रहा है। लेकिन हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सेंटर पर आकर हमारा हौसला बढ़ाया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। वैक्सीन के वॉलंटियर के तौर पर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैक्सीन ट्रायल के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें कई स्टेज हैं, जिनमें वैक्सीन का ट्रायल लेने वाले की समय समय पर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, जिससे वॉलंटियर को वैक्सीनेशन में दिक्कत आएगी। उसको थोड़ा सरल किया जाने की आवश्यकता है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। एक मूल बात तो ये थी उस क्राइटेरिया में, चूंकि मैं मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कोविड हुआ था और मैं पत्नी के साथ ही रहा था जब कोविड कर रहे, इसलिए उस क्राइटेरिया पे मुझे नहीं पाया। दूसरा, आपके माध्यम से बात सब जगह जाती है, इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी है जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की है, इतनी ज़्यादा है कि उसको सुनने के बाद में वॉलेंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा, वो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। एक साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है, तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पर इसका सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी आज ये पूरा तथ्य सुनने के बाद मान्यता बनी और मन बना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।